आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस डीसी राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। सुबह संदेश इस कार्यक्रम में एक बार और हम सबको हम स्वागत करते हैं। आप पिछले कुछ समय से अच्छे और बुरे मनुष्य के बारे में हम सुन रहे थे और परमेश्वर हमें बुरे मनुष्य से अच्छे मनुष्य बनाया, इस बातों पर हम विचार करते थे। और अच्छे मनुष्य बनने के बाद में मनुष्य का जीवन में क्या क्या गुण या अच्छा स्वभाव होना चाहिए, उसके बारे में अभी हम अध्ययन कर रहा है। और पिछले सप्ताह में हमने उसके पहला गुण के बारे में या पहला स्वभाव के बारे में देखा, वो ये कि प्रेम। हम गलतियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 22 आयद, एक व्यक्ति का जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला या नया मनुष्य का स्वभाव के रूप में आता है, जो पवित्र आत्मा की फल के रूप में जो हमारे जीवन में है। जब एक मनुष्य अच्छा बन जाता है तो पवित्र आत्मा हमें अच्छे स्वभाव में अच्छा फल निकालने के लिए हमें अगुवाई करते हैं। उसकी पहली बात हमने पिछले सप्ताह में देखा, आज उसकी दूसरी बात हम देखेंगे, जो गलती 5:22 में लिखा है, जो आत्मा का फल प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। पिछले सप्ताह में हमने प्रेम के बारे में देखा, आज हम देखेंगे आनंद। जो एक मसीह जीवन में हमेशा आनंद होना चाहिए, ये तो सबको मालूम है, लेकिन मैं आपके पवित्र भजन में से आपके जानकारी के लिए और मनन के लिए कुछ बात बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जब परमेश्वर के लिए नए बन जाता है, उनका जीवन में 5 प्रकार के आनंद होता है। इसका मतलब आनंद का कुछ विशेषता, ये क्या विशेषता है हम देखेंगे। पहली बात हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसकी 51 वर्स 11, यशायाह नबी चैप्टर 51 वर्स 11 में लिखा है, यहोवा के चुनाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर आनंद गुस्ता रहेगा। वो हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि आनंद मतलब कोई अंत नहीं होता है, एवरलास्टिंग जॉय। एक अच्छे स्वभाव में स्वभाव वाला एक मनुष्य के जीवन के आनंद जो है आनंद काल तक रहेगा, उसमें कोई भी समय का लिमिटेशन नहीं होता है। ये एक मसीह जीवन बताने वालों का जीवन की एक विशेषता है। दूसरी विशेषता, एक आनंद की विशेषता हम देखते हैं, ये है कि प्रेरितों की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 8वीं आयत, प्रेरितों की पुस्तक उसकी 8 अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया, द ग्रेट जॉय ऐसे लिखा हुआ है। ये जो एक मसीही जीवन बताने वाला अच्छे मनुष्य का जीवन की जो आनंद जो है बड़ा आनंद है। इतना हम देखते हैं कि जब फिलिप्पुस वो सामरिया नगर में परमेश्वर का वचन की प्रचार करता था, वहाँ से बहुत सारे लोग परमेश्वर का वचन सुनता था और अशुद्ध आत्मा वहाँ से उन लोगों से निकल गया और अनेक प्रकार के लकवे और लगड़े अच्छे हुए, इसलिए वो उस नगर के अंदर बड़ा आनंद छा गया। देखो मसीह जीवन बिताने वाले व्यक्ति का जीवन में बड़ा आनंद है और छोटा काम नहीं है, बड़ा आनंद छा गया बताते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं कि पहला अध्याय की 4वीं आयत, 1 John 1:4 में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। ये कि फुल जॉय, पूरा आनंद। एक विश्वासी
जब पुराना मनुष्य से नया मनुष्य बन जाता है, या जो बुरे पुरुष से अच्छे पुरुष के रूप में मनुष्य बदल जाता है, उनके आनंद पूरा हो जाए, मतलब पूरा आनंद फुल जो ये करके वचन में लिखा हुआ है, जो एक विश्वासियों का जीवन ऐसा होता है कि पूरा आनंद का जीवन होता है। चौथी बात हम देखते हैं, दूसरा कुरिंदी उसकी आठवें अध्याय की दूसरे आयत के अंदर हम पढ़ता है, दूसरा कुरिंदी आठवें अध्याय की उसकी दूसरे आयत में, क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंकाल में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। अबंडंड जोय, बड़े आनंद। एक बुरा मनुष्य जब नया मनुष्य आज बन जाता है, उसका आनंद बड़े आनंद हो जाता है। जब आपको क्लेश में और संकट में और परीक्षा में पड़ गए तो भी उनका जीवन में बड़े आनंद हो जाता है, आ जाता है। एक मसीह जीवन बताने वाला, हर एक व्यक्ति के जीवन में देखो, जब पुराना मनुष्य से जब नया मनुष्य बन जाता है और मसीह से मिलने वाला आनंद बड़े आनंद। पांचवी एक विशेषता हम देखते हैं, पहला पत्रोस उसकी पहला अध्याय की आठवीं आयत के अंदर लिखा है, पहला पत्रोस पहला अध्याय की आठवीं आयत के अंदर ये लिखा है कि उससे तुम बिन देख के प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। इधर के आनंद का विशेषता वर्णन से बाहर है, मतलब अनस्पीकेबल जॉय। देखो, एक मसीह जीवन बताने वाले व्यक्ति का जीवन में ये बड़े आनंद अनस्पीकेबल। इसी प्रकार पांच विशेषता है ये जो आनंद जो मसीह में जीवन बताने वाला नई मनुष्य के रूप में जब पवित्र आत्मा के द्वारा जब हमको मिलता है, जब हम बुरे वृक्ष से या बुरे स्वभाव से बुरे मनुष्य से नए मनुष्य बन जाता है, उस समय परमेश्वर हमें नया आनंद देता है। ये पांच विशेषता एक व्यक्तिगत जीवन में होता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सादा करें, आज सुबह इस वचन हमारे जीवन के अंदर बने रहे और हमारा हर एक दिन का कार्य में मसीह से पाया हुआ आनंद में जो पवित्र आत्मा की फल के रूप में हमारे बीच में है, आनंद पाकर आगे बढ़े। परमेश्वर में सादा करे, मदद करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो।